हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जो भी लोग रियलमी 9 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आ गई है। रियल की तरफ से ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि रियलमी 9 प्रो 5G वेरिएंट वाली सीरीज, जिसके अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 प्रो, रियलमी 9 प्रो प्लस 5G वेरिएंट, ये ऑफिशियल लॉन्च होने जा रही है 15 फरवरी को ग्लोबल मार्केट के अंदर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस फोन के इंडिया में लॉन्चिंग डेट की। तो इंडिया के अंदर ग्लोबल मार्केट के आफ्टर वन डे यानी कि 16 फरवरी को Realme 9 Pro 5G सीरीज इंडिया के अंदर कंफर्म लॉन्च होने जा रही है, ऑफिशियल कंफर्म डेट है। सो गाइज, Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus 5G वेरिएंट के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुके हैं। आगे जा करके हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं किस प्राइस बेस पर ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट के अंदर दस्तक देंगे और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल कन्फर्म हो चुके हैं। सो गाइज, इसी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट स्मार्टफोन से रिलेटेड जानकारी आपको चैनल में कंटिन्यू मिलती। सो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो गाइज, ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है कि दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको सेम देखने को मिलेगी, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, बैक में प्लास्टिक मिलेगी और प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलेगा मिडिल का, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। डिजाइन की बात करें तो आप वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार के डिजाइन में आने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो डिस्प्ले साइज में आपको सबसे पहले बात करेंगे Realme 9 Pro वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको 120 गीगाहर्ट्ज़ का स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले काफ़ी ओसम होने वाली है, बेजल लेस डिस्प्ले होगी, वो भी पंच होल कटआउट के साथ। टॉप लेफ्ट साइड में पंच होल देखने को मिलेगा। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो, HDR10+ की सर्टिफिकेशन, तो वॉचिंग कंटेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। व्यू एंगल काफ़ी ओसम होने वाले हैं और यहाँ पर 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, वाइड वन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ, और 399 PPI इनके पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करें Realme 9 Pro Plus 5G वेरिएंट की, तो यहाँ पर ओनली डिस्प्ले साइज का अंतर होगा 6.43 इंचेस की और सेम फीचर देखने को मिलेंगे Realme 9 Pro वेरिएंट के बराबर। अगर बात करें अब इसके मेन पार्ट यानी कि परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करेंगे Realme 9 Pro वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 की 5G वाली चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बनी भी होगी 6nm प्रोसेस पर, और यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी निकाल करके देने वाला है ये स्मार्टफोन। CPU परफॉर्मेंस में आपको ऑक्टाकोर CPU परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, वो भी 64-bit वाली, और यहाँ पर 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली है। क्रायो 660 का यहाँ पर CPU देखने को मिलेगा, CPU परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है, और गेमिंग को संभालने के लिए Adreno 619L का ग्राफिक्स रेंडर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप गेमिंग अच्छी कर पाएंगे, गेमिंग के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करें Realme 9 Pro Plus वेरिएंट के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 920 की चिपसेट देखने को मिलेगी, ये भी 5 चिप है और ये बनी भी होगी 6nm प्रोसेस पर, यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और बात करें इसके CPU कोर की, तो यहाँ पर ऑक्टोकोर CPU कोर देखने को मिलेंगे 64-bit वाले, और यहाँ पर 2.5 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। Cortex A78 और A55 के यहाँ पर CPU कोर मिलेंगे, परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है इस स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पर गेमिंग को संभालने के लिए ARM Mali G68 MC4 ग्राफिक्स मिलेगी, जिसके 9% फास्टर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी ओवर Dimensity 900 चिप के मुकाबले में, और यहाँ पर MediaTek हाइपर इंजन 3.0 गेमिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस तकड़ी मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फोन के मैन कैमरे की, तो वहीं Realme 9 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 MP का मैन कैमरा मिलेगा, दमदार कैमरा के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलने वाला है, 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं टॉप लेफ्ट साइड में आपको पंच होल मिलेगा और वहां पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, दोनों के अंदर सेल्फी कैमरा सेम है 16 MP का। वहीं बात करें यहां पर Realme 9 Pro Plus वेरिएंट की, तो यहां पर आपको 50 MP का मैन कैमरा देखने को मिलेगा, कस्टमाइज होगा सोनी सेंसर के साथ,
8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा विद OIS की सपोर्ट के साथ। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा और 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सो गाइज अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो Realme 9 Pro के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलेगा। वहीं Realme 9 Pro Plus वेरियंट के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी प्लस 65 वाट इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 के साथ देखने को मिलेंगे और Realme का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको 3.0 वर्जन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.1 वर्जन NFC सपोर्टेड होने वाला है ये स्मार्टफोन और दोनों फोन के अंदर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलने वाला है। फोन के वेरिएंट की बात करें दो वेरिएंट आएंगे 6GB 128GB एंड 8GB 256GB। रैम टाइप में आपको LPDDR4X वर्जन दोनों स्मार्टफोन के अंदर, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 वर्जन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 5GB तक वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी तो गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे इन स्मार्टफोन के। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो जो प्रो मॉडल है उसके प्राइस जो देखने को मिलेंगे 17 से 18 हज़ार के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। जो प्रो प्लस वेरिएंट है उसके प्राइस जो देखने को मिलेंगे आपको 22 से 24 हज़ार के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। दोनों डिवाइस 5G होने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आएंगे ये दोनों स्मार्टफोन मार्केट के अंदर ग्लोबल। अब बात रही इंडिया की, इंडिया के अंदर कब तक आ पाएंगे, तो इंडिया के अंदर फरवरी के एंड तक कन्फर्म लॉन्च होने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।